अभी डेढ़ बज गया, इसका मतलब ये सुबह 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक यानी कि 6 घंटे, 6 से 7 घंटे हो गए आप ये झंडी लगाते हो। क्या बात है, क्या बात है, ये मुझे लगते हैं सही पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमिर घुमन ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे तो आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना थोड़ा सा तारफ करवा देता हूँ। आज से 3 साल पहले मैं मॉरल वीडियो, शॉर्ट लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाता था, मोटिवेशन वीडियो बनाता था। तो मेरी टीम की कहने के मेहरबानी से या टाइम की दिक्कत की वजह से हम उसे वो कंप्लीट नहीं कर सके, तो उसके बाद वो छोड़ गए। तो उसके बाद मैंने इस्लामिक वीडियो जो कि शॉर्ट्स या रील में हम बनाते थे, बल्कि मैं अकेला, मैं सब रोल अकेला ही करता था, सब सारे गार्डन। तो अभी वो अच्छा, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। अभी तो खैर उसका रिस्पांस नहीं अच्छा आ रहा, तो इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू करूँगा, वो भी साथ साथ बनाऊँगा। लेकिन उसके बाद मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मुझे उसने कहा दुनिया जानते पहुँच गई, तो वहाँ लेट थी व्लॉगिंग शुरू कर। तो उसके कहने पर मैंने अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया। ये मेरा है पहला व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाले तमाम व्लॉग में आपको अच्छी तरह इंटरटेन किया जाएगा। इसमें चैलेंजेस होंगे बच्चों के रिलेटेड जो भी है। तो अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको अच्छा इंटरटेन किया जाएगा। तो ठीक है, करते हैं फर्स्ट व्लॉग का आगाज़। हम आगे ऑफिस में। हाँ जी अशर साहब। अच्छा, आपके जेहन में होगा मेरा ऑफिस आ गया। इसमें आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा कि ये लॉन्ड्री वाला क्या सिस्टम है या ये ऑफिस के रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगले नेक्स्ट व्लॉग में या थर्ड व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज मेरा दिन बिजी होने वाला है अशर के साथ। अशर ऐसा ही है। हाँ अशर, तो क्या शॉपिंग करनी है आज तुमने? कमीशन वाला? हाँ जी, परसों वो क्या नाम लेते हैं, वो 14 अगस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, अशर साहब आपका कहने का मकसद ये है कि आपको वाइट शलवार कमीज या कुर्ता शलवार जो भी है वो चाहिए 14 अगस्त के लिए, ऐसा ही है? तो ठीक है जनाब, अभी चलते हैं 14 अगस्त। अच्छा, के लिए आप ना यहाँ एक छोटा फ्लैग लगाओ टेबल में और बाहर एक बड़ा बहुत सारा फ्लैग लगाओ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि ऑफिस में एक छोटा सा फ्लैग होना चाहिए काउंटर टेबल वाला, ठीक है, और एक बाहर। और जनाब आपने कह दिया तो जनाब हमने लगा दिया। चलो चलें जी। अशर साहब की शॉपिंग तो हो गई। अशर भाई दिखाओ ना क्या क्या लेके आए हो। देखो ये है फ्लैग जो यहाँ लगाते हैं। वाह, ये फ्लैग है जो टेबल वाला, और ये जो बाहर हमने लगाने झंडा है वो। क्या बात है जी, बहुत बड़ा झंडा ले आया यार हम। बहुत सॉरी अशर यार, हम छोटे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब पता क्या कर, टेप का पता कर, ये टेप लाया। हाँ जी पड़ी है। हाँ ऑफिस में पड़ी है। इसको अभी हम बाहर लगाते हैं और आपको ये खोल के दिखाते हैं, ये टेबल पे रख के ये कैसा लगेगा, ठीक है जी। वैसे इसकी प्राइस थी कितनी थी, 750 का था ना, 750 का वो था। और ये हमें मिल गया जनाब बहुत ही सस्ता, बाहर इसका रेट था 1000 रुपया, तो हमें $1 से ये मिला है 280। ऐसे ही है ना, 280 का। चलो ठीक है, अभी हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो फाइनली जनाब हमारा तैयार हो गया ये टेबल फ्लैग। ये दिखाओ अशर। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत पसंद, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो ऑफिस की जीनत लग रहा है, क्या बात है। चलो अब इसकी बारी है अशर, इसको अभी लगाते हैं शीशे पे, ठीक है। अशर अशर अशर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सिल्वर बहुत ज्यादा, ये देख सिल्वर ज्यादा है ना इसमें, काफी ज्यादा। तो फिर एक काम करते हैं जनाब, सामने वाले को कहते हैं कि भाईजान थोड़ा सा प्रेस ही कर दो सामने वाले अंकल को, ठीक है ना। चलो अभी चलते हैं, चलो जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चलो। सर जी अस्सलामुअलैकुम। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये जी ठीक। सर जी ये थोड़ा सा प्रेस करना है ये यहाँ पे ना, वो वहाँ पे सामने ऑफिस के बाहर लगाना है। ये प्रेस करेंगे तो जल जाएगा। नहीं नहीं, हल्का सा सिर्फ प्रेस करना। ठीक
लेकिन जहांगीर का और जिम्मेदार नहीं है। ऊपर करो थोड़ा है। तो फाइनली फाइनली मसल सर भाई इतना बड़ा 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 ठीक है और फाइनल हो गया सारा। लो जी ये फाइनल हो गया। ठीक है जी अशर खुश खुश। अभी कुछ सीन ऐसा है कि यहाँ पे आया हमारे मस्तंसर भाई जो रवाज महल से हैं, यानी कि ये ऑयल ऑयल का इनका ब्रांड का नाम है जी रवाज महल। हाँ तो ये भाइयाँ वैसे भी हमारे अक्सर यहाँ पे वीडियो हमारे पास बनाने आते हैं, तो बल्कि ये इन्हीं का ऑफिस है यार, इन्हीं का स्टूडियो सब कुछ इन्हीं का। क्यों जी ऐसे ही ये आपने कह दी मेहमान ये वो सारी जली नीचे गिरी है देखो लूज करके रखी थी, अब इसको निकालना पड़ेगा आराम से निकालना पड़ेगा। ये 14 अगस्त के लिए झंडे से डंडा नहीं है इस वजह जो हो गया। अच्छा जी ये 14 अगस्त की वीडियो के हवाले से ये वीडियो बनाने आए हैं, तो इसमें ये किस चीज़ की वीडियो है बॉस? ये ब्रदर सेलिब्रेशन है 14 अगस्त की अपनी ब्रांड के लिए रिवाज में हेयर ऑयल के लिए, उसकी वीडियो बना के पोस्ट करेंगे सोशल साइट पे। हाँ यानी कि ये 14 अगस्त के हवाले से ये वीडियो बना रहे हैं रवाज महल की तरफ से, तो इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रवाज महल क्या चीज़ है, ये कैसे ऑयल तैयार करते हैं, किस किस जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो लोगों को तो बस ये नजर आता ना ये ऑयल है बस व्यूज अच्छे आ गए हैं या चार पैसे अच्छे आ गए, नहीं भाई इसके पीछे मेहनत भी बड़ी होती है। सलसल भाई मुझे बताएं कि वीडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, आप लोगों को समझाएं भाई कि कितनी मेहनत करी, लेकिन मैंने जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहा हूँ करता रहूँगा, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़े दिन तक या थोड़े व्लॉगों के बाद व्लॉग्स के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या सीन होता था मेरे साथ, तो चले आप बसंतर भाई की जुबानी सुनते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, आपको देखिए ये कपड़े सारे पड़े हैं जो चेंज करके ब्लीज वगैरह बनाते हैं, ये सारा किस तरह कुशन वगैरह पड़े हैं बिखरे पड़े हैं, मोबाइल वो पड़े हैं, चाबियां वो बैग वो, अब जो सामने का स्क्रीन वाला हिस्सा तो उसको हम साफ रखते हैं, बाकी सारे हिस्से की हालत आप खुद देख सकते हैं कितनी हालत हो रही है, बस बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अब ये लाइट का ये बात तो ठीक है आपकी भाई कि जो स्क्रीन वाला जो हिस्सा था वो बिल्कुल साफ था, अगर वो साफ नहीं रहेगा तो वो कैसे आपकी वीडियो अच्छी बन पाएगी, क्योंकि लोग तो वही देखते हैं ना जो उनको सिर्फ नजर आता है वो उतना हिस्सा साफ रखते हैं, बाकी सारे के ऊपर आप खुद देख सकते कितना ज्यादा वो पंजाबी खलारा डाला हुआ। तो ये वीडियो अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताया अशर हो रहा है बोर, तो अशर के लिए क्या क्या गिफ्ट है मुझे ये बताया। अच्छा लेकिन ये गिफ्ट सर मैं लेके आऊँ और ये बैग में पड़े हुए हैं, अशर को मैं दूंगा ये इसके लिए मैं वॉच लेके आया हूँ। अशर भाई इधर आओ लगा लेना ठीक है, ये ऐसे करके इसको बांध लेना खुद ही, बहुत अच्छी वॉच है आपके लिए ठीक है, पहली लगेगी आपको, पहली लग रही है आपको, नहीं लग रही तो वापस कर दो डाल तो ले भाई, बस ठीक है इतनी फट गया ये लोगो ये रिवाज में ये आप इसको लगाते हैं ये इधर करके बेटा। तो आपने हमें क्या पे करना भाई, आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं हम भाई, आपने ये सारा सामान तोड़ा बाहर चुका अब इसके लिए ये भी लगाओगे। अच्छा जी ये है इनका रिवाज महल का लोगो, इसको ये देखें ये है इनका रिवाज महल, तो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसकी बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी सेल है। दोबारा ना सर ये भी इसको लगाओ, ये भी इसको लगाओ, तुम बोलो नहीं 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 ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन है 14 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए हमारा। चले फिर काम को स्टार्ट करें हम। चलो जी रिवाज महल की तरफ से पूरे पाकिस्तान को आजादी मुबारक, ये सारी वीडियो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो स्टार्ट करें भाई। बहुत जी स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और रिवाज महल के प्लेटफॉर्म से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ से आपको आजादी मुबारक, और इस दबाव और यकीन के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे खुदा के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक अपनी आने वाली जिंदगी में खुशी हो, अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों को साथ अपनी जिंदगी में आने वाली खुशी को वेलकम साथ
ये पड़ी हुई है, ये देखें सफाई हुए, बड़ा हाल। अच्छा वो सफाई करने वाले को बुला के लाओ, जल्दी हो, जल्दी जल्दी सफाई करने वाले को बुला के लाओ। अच्छा सफाई वाला नहीं आया तो चलो घर चले, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया 3:30 बजे। पक्का छुट्टी आए आए, और छुट्टी किस चीज की? 3:30 बजे आने नहीं देते, आए 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 आए। तुमने मुझे पहले बताया था ये क्या रखते कर रहे हो अशर, ये क्या बात में, चल चले। अच्छा हाँ ये सर बता, कौन सा ड्रेस लेना है? ये वाला, ये वाइट। हाँ जी अच्छा लगेगा पक्का। चल ठीक है पैक करवा ले। ओ ये क्या मैं देख रहा हूँ, हमारी गली तो झंडियों से भरी हुई है, सुबह तक तो ये कुछ भी नहीं था। वाह वाह ये लगते हैं मुझे सही पाकिस्तानी, ये लगते हैं मुझे सही हुब्बे वतन, क्या बात है बच्चों की जनाब, इतनी ज़्यादा मेहनत, क्या बात है क्या बात है। ओए सुभान सुभान भाई, ये कब के लगे हो आप, कब के लगे हुए हो आप? सुबह 7 बजे के कर रहे हो, क्या बात। ये चोट कैसे लगी है? अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 1:30 बज गया। इसका मतलब ये सुबह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी कि 6 घंटे, 6 से 7 घंटे हो गए आप ये झंडी लगाते हो। क्या बात है क्या बात है, ये मुझे लगते हैं सही पाकिस्तानी, पाकिस्तान। क्या हुआ रोशना, कहाँ पे जाना है? मैंने ऑफिस क्या करने जाना है? वीडियो बनाने। किस चीज की? टिकटॉक की वीडियो बनाने जाना है। मेरी बेटी रोशना आमिर नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती है रोशना? प्रेप में पढ़ती है, ये है बड़ी तेज है। रोशना ऑफिस क्या करने जा, हुई हुई इसके नखरे तो देखो, क्या बात है जी। लो जी अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस जाके आपसे बात करते हैं, मज़े मज़े की गेम्स खेलते हैं ना रुशना, और मज़े मज़े की रुशना आपको बातें बताएगी। चले तो लो जी अब हम पहुंच गए ऑफिस में, और मेरे साथ आई है पूरी टीम बच्चों की। ये हेलो, है दुआ, वो है अशर। हेलो, ओहो रुशना क्या हो गया तुम्हें, बड़ी एक्साइटेड लग रही हो, क्या बात है। ये चीजें देख, ये चीजें देख के तो नहीं एक्साइटेड हो रही? अच्छा जी बच्चे कह रहे थे मैंने चीजें खानी है, हमने चीजें खाने, तो मैंने कहा चलो ठीक है खाओ, लेकिन इसके साथ मैं दो दो गेम्स खेलूंगा आपके साथ। और पहली ये है कि ये है 100 बलून्स जो बच्चों ने बुलाने हैं, तो जो बच्चा सबसे ज्यादा बलून भरेगा वो होगा आज का विनर, और उसे मिलेगी उसकी मर्जी की चीजें, ऐसा ही है? Yes, yes. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और दूसरी जो गेम है वो है ड्राइंग, उसमें वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये बलून वाला सीन शुरू करते हैं। चलो, तो चलो बच्चों स्टार्ट करो। यार कितने लालची बच्चे होते हैं कि आपने खाने पीने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे बैठ के बैठ के बैठ के बच्चों बैठ के, उसने आप दिखाओ इतना सही है बाबा, मुझे नहीं पता जो ज्यादा करेगा फुलाएगा उसे बस, तो कीड़ा भी नहीं मारना थी।
तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये तुम करो ना, जो तुम पहले तो बड़ी एक्साइटेड थी, मैं ये कर रही वो कर रही हूँ, अब बोलो अब बोलो। अरे रिश्ना लगता है रोने लगी है रिश्ता। नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, आपको वैसे गिफ्ट दे दूंगा, जो मर्जी खा पी लो आप, टेंशन नहीं है। ओहो अशर ने एक बना लिया मुझे, क्या चेंज कर लो। तो जी अशर दो बना चुके, अंदर दुआ तुमने एक भी नहीं बनाया। अच्छा अच्छा एक दुआ और एक अशर का, ठीक है ओके ओके। रुशना तुम पीछे रह गई हो, गुस्सा कर गया रुशना। रुशना 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 बेटा ऐसे तो नहीं ना रोते, बेटा रोते नहीं है रुशना, देखो। और चलो ये जूस पी लो आप, ये लो ये जूस पियो, है लालची लालची कुड़ी। ये क्या ड्रामा किया पहले बताओ, क्या ड्रामा किया है इनको बताओ ना, है बताओ। अभी फिर तुम चैलेंज में से बाहर हो गई हो, ठीक है अब चैलेंज शुरू हो गया अशर का। ओए ये क्या चीटिंग कर रहे हो, ओए ये क्या कर रहे थे, बताओ सच्ची बताओ। ये दोनों स्पीकर मिले हुए हैं। अशर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पहले था कि जो ज्यादा बलून बनाएगा अपने कलर वाले तो वो जीतेगा, ठीक है अब ये सीन नहीं है। अब टोटल आपने 50 करने हैं, 25 आपने और 25 आप दुआ आपने, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए हो, आप पहले जूस पी लो, बस जूस पी लो ना, जूस पी लो, चलो फिर बाद में कुछ खा पी लेना। हाँ जी भरे अब आपने तो बहुत ज्यादा भर लिया ना, इसलिए आप भर लो। ऐसे ऐसे जैसे दुआ, इसने सारा काम इसने किया। लो जी पूरे 10 मिनट हो चुके हैं बच्चों को बलून भरते 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 भरते, मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है ना थक चुके हैं। हाँ जी जनाब अशर आपका क्या सीन है, बस दुआ अभी बस पक्की बात जी, पक्की बात। अब घर में ये जुनूनों का वाला एक वाला ओपन है कि पूरा घर हम सजाएंगे। चलो ठीक है पहले ऑफिस को सजा लें, फिर घर को सजा लेंगे, ठीक है बच्चों। यार या, अभी ये लास्ट क्लास है आपके, हाँ वैसे भी बच्चे थक गए हैं, चलो ये डन करो, थैंक यू। तो अभी अभी काउंटिंग करते हैं ना, रख उसको रख रख। क्या हुआ है, क्या हुआ है दो रुशना बोलो, रुशना कई सारे से पूछ ले, बस मैं से नहीं पूछा। क्या मस्ती कर रहे हो, ये छोड़ दो आप, सबसे पूछा मैंने पूछा। अच्छा बताएं जी आप थक गई हो कि नहीं, हाँ बस ये इतना सा पूछना था, बस इतना सा पूछना था, सारे गिंदा। चलो जी अभी अकाउंटिंग करते हैं सर, जूठा अच्छा देखो पहले सबसे पहले ग्रीन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ग्रीन वाले 19 हो गए। ये वाइट वाले करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 अच्छा नहीं कौन बोल रहा है, और जी व्हाइट वाले 17 नहीं है, ये हो गए ये डाल के 18 हो गए, और नहीं अभी लग रहा है 19, इसका मतलब है कि जो जीता है वो है। नहीं अभी नहीं, मैंने कहा ना बेटा हाफ तस्लीम को, तूने अभी कहा था वो फाइनल, नहीं चीटिंग कर रहा है, अच्छा चीटिंग कर रहा है, अच्छा चीटिंग कर रहा है ना, ये चीटिंग कर रही है, ओए ये आपको है ये नहीं चीटिंग, कृष्णा कृष्णा अच्छा बेटा ऐसे नहीं करते, आपको आपको विन हो गया, विन हो गया का मतलब है कि आप जीत गए। चलो अच्छा मेरी बात सुनो, पहले आपने कहा था ना कि पापा बस मैं बस हो गया, ठीक है अभी आप हार गए हो तो आप कहो कि मैं हार चुका हूँ, बताओ हम दोनों जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। आप दो आप बताओ ये हार गया कि जीत गया, हार गया। मैंने कहा था मैं बस पापा, अच्छा सच्ची बताओ हार गए हो ना, मान जाओ जल्दी करो फिर दूसरी गेम भी स्टार्ट करनी है। लो जी अशर हार गया ये गेम, और ये हार गए हो अशर, वो खुद ही तस्लीम कर गया, अब दुआ जीत गई ये गेम विनर हो गई है दुआ, शाबाश क्लैपिंग दुआ के लिए बच्चों, आप भी क्लैपिंग करो शाबाश। तो अभी दुआ जो खाना चाहो इसमें से खा सकती हो ले सकती हो।
बस अब एक लेस और चीज लो बेटा। लो जी ये दुआ का गिफ्ट रेडी हो गया, दुआ ने खाने पीने की चीजें अपनी उठा लिया। अब हम करते हैं दूसरा चैलेंज, वो है कि एक पेपर पे अच्छा सा फ्लैग की ड्राइंग करनी है, फ्लैग बनाना है। ठीक है जी, तो मैं रेडी करके फिर आपसे बात करता हूँ। और रुचना ये क्या कर रही हो? जो भी देख रहे हैं ना बच्चे हैं, अंकल आंटी, वो सब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। लेकिन सबसे शरीफ जो इस टाइम है वो है दुआ। तो आप बहुत अच्छी बच्ची है जो कि जिद नहीं करती है, सबसे पहले जिद नहीं करती और चुप करके बैठी रहती है। और आज का क्रेडिट वैसे भी फर्स्ट गेम में दुआ ही विन किया है, तो आप कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और फाइनली जनाब बच्चों ने बलून लगा दिए ऑफिस में। और क्या बात है यार अशर, क्या बात है, क्या बात है रुचना, क्या बात है। बल्कि रुचना तो कुछ नहीं, मैंने किया थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा नहीं किया। बच्चों बहुत शुक्रिया आपकी मेहनत का। ये देखें जी 14 अगस्त के हवाले से इन्होंने बच्चों ने ऑफिस को ऐसा डेकोरेट किया, क्या बात है जी, बड़े अच्छे बलून लग रहे हैं। दुआ थैंक यू, अशर थैंक यू, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, शाबाश। कुछ नहीं किया, क्या किया तुमने? कहाँ पे कौन सा लगाया है? ये देखो वो दोनों कौन सा लगाया आप लोगों ने, बताओ दिखाओ। बस ये ही रखे हैं इसने तो। नहीं वो कह रही है वो उसका मतलब है कि कोई भी नहीं लगाया। नहीं वो दोनों कौन से दोनों? ये वाले, ये वाले, ये अच्छा ये वाला जनाब उसका लगाया। और ये वाइट कलर वाला, ये दोनों जो है ना उसका लगाया। रुचना आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऑफिस को इतना डेकोरेट किया, और थैंक यू सो मच। और अब होता है लो जी वो जो डोर पे लगा हुआ है ना, वो भी एक रुचना ने लगाया। ठीक है जी खुश। लो जी मैंने सबको बता दिया कि रुचना ने टोटल पूरे ऑफिस में से 3 बलून लगाए, क्या बात है। तो जी 4 हो गए, खुश खुश रुचना। ये जी ये एक एक पेपर इनको दिया जा रहा है, एक पेपर रुचना को और एक पेपर दवा को। सीन ये है कि इन्होंने सबसे पहले फ्लैग बनाना है, झंडा, जिसका अच्छा होगा झंडा उसको ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी, और उसको इनाम में एक झंडा अच्छा वाला दिया जाएगा, और एक ड्रेस, और क्या होना चाहिए बताओ गिफ्ट। एक क्वेश्चन प्यारा सा है, एक लोशन क्वेश्चन। हाँ 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 ठीक है, आपको ना एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये जनाब इसको क्वेश्चन मिलेगा इनको ना, ये वाला जो जीतेगा। ठीक है जी, डर किया गया, स्टार्ट नो। लो जी इनके फ्लैग में ड्राइंग वगैरह मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिलहाल तो इधर पेन नहीं था, पेन का ही इस्तेमाल कर सकते थे, कलर का नहीं। तो चले आए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रुचना। रुचना आप दिखाइए। लो जी कितने फ्लैग ऐसे करना है, ऐसे करना है यार, ये ऐसे करना है, ये सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है जी रुचना, नीचे फ्लैग बना हुआ है, और नीचे पता नहीं क्या काचा माचा इसने मारा हुआ है। लेकिन जो भी है इसको अप्रिशिएट करना, आपका काम करके करना चाहिए। तो सबसे पहले इसने बनाया, तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी दुआ। दुआ ने फ्लैग बहुत प्यारा बनाया, ऊपर सबसे पहले लिखा, क्या कर रही हो आप, सबसे ऊपर लिखा हुआ है दुआपुरम, नीचे लिखा हुआ है फ्लैग, नीचे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान। बहुत ही प्यारा आपने फ्लैग बनाया, और ठीक है बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो अभी रिजल्ट तो है वो अशर का फ्लैग देख के ही अनाउंस करेंगे ना। लाए जी अशर साहब, अशर साहब ये है जी, अशर साहब है ऊपर लिखा हुआ है अशर आमिर, नीचे फ्लैग, फ्लैग के ये मुझे चांद की समय नहीं लग रही। अच्छा ये किस किस्म का चांद है जरा मुझे तो बता। बना रहा था ये बेटा, मुझे चांद कम बनाना ज्यादा लग रहा है। अशर अच्छा जी नीचे लिखा हुआ है फ्लैग की जगह फटैच, I love you पाकिस्तान। ठीक है जी आपकी मान लेते हैं, I love पाकिस्तान आगे I love you।
लवी आओ लवी। अच्छा क्या हो गया यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो गया, ये क्या किया तुमने आज का? देखा जाए क्या विनर है, ये आपके हिसाब से कौन विनर है? मुझे लग रहा है दुआ आज की विनर है, दुआ खुरम। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। सबसे पहले दुआ खुरम इधर आ जाए, सबसे पहले आपको गिफ्ट दिया जाएगा 100 रुपीज, और उसके बाद आपको दिया जाएगा ये यूट्यूब वाला कुशन, ये रही दुआ, और ये चीजा की देखे यार यार जो भी है दुआ ये पकड़ लो, ये भी ना निकल जाए, पकड़ो बोलो बोलो। लो जी आज की दोनों गेमों की विनर बनी है दुआ, दुआ करिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग, क्लैपिंग करो अभी। हाँ जिहड़ा हारिया वो क्यों क्लैपिंग करेगा। तो लो जी हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम आपको मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इस ब्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग इससे भी अच्छा होगा और उससे आगे वाला नेक्स्ट ब्लॉग उससे भी अच्छा होगा। जाहिर है आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देने के। और अशर आप? मैंने अब आज से व्लॉग बनाना, अभी पहला व्लॉग है तो डाल ही एंड हो गया यार, क्या बात है। तो आप बताओ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, ब्लैक अगर हम बनाए भी, पापा ने भी पिछली बार एक बनाया था हमारा, आपको देखने को मिलेंगे चाहे एक दिन छोड़ के जरूर आएगा लोग। तो अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, तो अल्लाह हाफिज़।